में से कितने हैं जिनके अंदर गुस्सा है? कितने हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है? कितने जिनका मन कर रहा है मेरे को आकर के यहाँ पे मारने का? नहीं, कोई नहीं, शुक्र है मैं बच गया। तो ये जो एंगर है, ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। कितने हैं जो कहते हैं गुस्सा अच्छा है? जिनका हाथ यहाँ तक जा रहा है, डीओ लगा के नहीं आए हो क्या? वो तेरी, एक बंदे ने हाथ ऊपर किया, लड़की ऐसे ऐसे कर रही है। ये सर क्या करवा देते हो आप भाई, क्यों इतना जुल्म ढाते हो? 99 रुपए का आता है, लगा के आया करो। कुछ 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 कुछ। तो गुस्सा हम सबके अंदर भरा पड़ा है, स्पेशली आप लोगों का, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस एज ग्रुप में तो बहुत एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एंगर होता है, कुछ करने का हो रहा होता है, अंदर से आ रहा होता है। तो ये जो गुस्सा है, ये ना अच्छा है ना बुरा है। इट इज अ क्रिएटिव फोर्स एज वेल एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। डिपेंड करता है आपको इसको यूज करना आता है नहीं आता है। तो ये जो बात मैंने कही है, इसको आप में से कोई है जो समझ पा रहा है और एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर, जब हम एंगर को चैनलाइज करते हैं राइट डायरेक्शन में, कि अगर हमको गुस्सा आ रहा है कि भाई अब हमको इसको काम में निकालना है, अच्छे से अपना 100% 200% देंगे और काम में उसको निकालेंगे कि भाई अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत तो उसको कुछ मत बोलो और मन बोलो कि अब इसको हम करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। हाँ। उसको अगर हम चैनलाइज करेंगे तो वो हमारा एंगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा और हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा उस एंगर का। एग्जैक्टली, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर अस। गुस्सा दो जगह पे निकाल सकते हो, या तो लोगों पे निकाल सकते हो या फिर अपने काम पे निकाल सकते हो। अगर किसी के ऊपर हमने गुस्सा किया तो क्या होता है? रिलेशन खराब हो जाता है, गुस्से में पता नहीं होता है हम क्या कर जाएं, खुद को काम कर। ये बड़ी अच्छी बात बोली, लोगों में सिर्फ दूसरे नहीं आए, आप खुद भी आ गए। कई बार क्या होता है, जब हमको बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम खुद ही को हार्म करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक सुट्टा मारते चले जा रहे हैं, या दारू पीते चले जा रहे हैं, या तेज गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, किस पे गुस्सा निकाल रहे हो? या तो अपने आप पे या औरों पे, यानी कि लोगों पे, कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद करूंगा। लेकिन अंदर करने का दम है नहीं। सामने वाला बंदा पावरफुल भी तो हो सकता है ना, हो सकता है सामने वाला बंदा वो हो जिसके नाम पे घर है, जिस घर में आप रह रहे हो, यानी कि आपके पिताजी। नहीं, नहीं, क्या करोगे? तो कहेंगे गेट आउट। सड़क पर सोते रहोगे, कुत्ता चाटेगा आपका मुंह आकर के, और क्या करोगे? तो अगर अंदर भी आप किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो, यानी कि अपने अंदर भी गुस्सा कर रहे हो, उस पर्सन के पीछे से गुस्सा कर रहे हो, यानी जब आपके पापा ऑफिस गए तो अपनी मदर को जाकर के बोल रहे हो, समझा लो अपने पति को। ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है। यानी दो चॉइसेस है ना हमारे पास में, एक है लोगों पे निकालो, लोगों में दूसरे भी आ गए, आप खुद भी आ गए, दूसरा क्या है, अपने काम पे निकाल दो। ये कमाल की एनर्जी, इसमें बहुत पावर है। इसको बोलते हैं गुस्से को सही से चैनलाइज करना। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आप सबको, जिससे आप बड़े आराम से रिलेट करोगे। अभी आईपीएल कितनों ने देखा था? आईपीएल फाइनल किसके बीच में था? एसआरएच वर्सेस सीएसके। उसमें क्या हुआ था जब सीएसके की बैटिंग आई थी? शेन वॉटसन का याद है किसी को क्या हुआ था? कितनी बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था? 10 बॉल्स। 10 बॉल तक एक भी रन नहीं बना था। कितने हैं आप में से जो एक्चुअल में क्रिकेट खेले हैं या खेलते हैं? उस टाइम पे जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है वो समझ जाएंगे, वो सिचुएशन इतनी बुरी होती है, इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा जिसकी कोई हद ही नहीं है। और कहां निकाला उसने अपने गुस्से? उसको चैनलाइज किया, अंधाधुंध नहीं मारना शुरू कर दिया। समझ लेना, गुस्से में दो ऑप्शंस थे, या तो जब इतना गुस्सा आ गया तो सामने से अब जो भी आ रहा है मैं तो मारूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, आउट हो जाते हैं। लेकिन इसने वो गलती नहीं करी, इसने क्या किया, देखा, पहले पकड़ा, अपनी वीकनेस को भी समझा कि भाई राशिद खान से पंगा नहीं लेना है, देखा सामने से कौन आया, चल बेटा आ गया, ये मेरी स्ट्रेंथ है, अब निकालता हूं अपना गुस्सा, और सेंचुरी। तो ये आर्ट अगर हमारे अंदर आ जाए तो कमाल हो सकता है। सारा गुस्सा आपने अपने काम पे निकाल दिया। हाँ, आप बोलिए। एंगर को पॉजिटिव वे में एक इस तरीके से ले सकते हैं कि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, उस चीज़ को सर वो एंगर होता है ना जो कि दिखाना है भाई, अब तो सीरियसली दिखाना है, इनको बोल के नहीं दिखाना है, इनको अपने काम करके दिखाना है। तो एक वो होता है जो एंगर से पॉजिटिव वे में हम ले सकते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। नहीं, नहीं,
ये जो सो कॉल्ड आंटी अंकल होते हैं, हमारे करीबी दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो आ करके पीछे से भी आपके आपके मुंह पे भी बड़बड़ 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 फालतू की बातें, खुद की जिंदगी झंडे लेकिन आकर के आपको बोल रहे हैं। अब ऐसे में गुस्सा आता है, अगर आपने इन लोगों पे गुस्सा निकाला तो क्या होगा? गुस्सा क्या है पहले इसको अच्छे से समझ लो। डोंट कॉल इट गुस्सा। गुस्सा क्या है? एनर्जी, यानी सेंसेशंस हो रही है। कहां हो रही होती है सेंसेशंस? यहां पर हो रही होती है, यहां पे हो रही है। एनर्जी बढ़ रही होती है हमारी, कुछ करने का एक्ट करने का मन कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है गुस्से के वक्त? गुस्से के वक्त मन नहीं कर रहा होता कि कुछ कर दो? तो चुप रह, नहीं तो मैं कुछ कर जाऊंगा। पता नहीं, समझ रहे हो ना ये सब चीजें? हाँ, तो एनर्जी हमारी बढ़ रही है उस टाइम पे। अब अगर उस टाइम पे आपने उनको कुछ भी बोला, या उनको छोड़ो अपने घर वालों को भी उनके पीछे से उनके बारे में कुछ बोला, तो क्या हुआ? आपकी एनर्जी निकल नहीं गई, एनर्जी वेस्ट नहीं हो गई। इससे बेटर क्या है? किसी को कुछ नहीं बोला, बाहर से बिल्कुल कूल हो, काम हो, अंदर से एनर्जी बढ़ रही है, और सिर्फ अपनी उस एनर्जी को एक डायरेक्शन दे दी कि अब क्या करना है। उस पर्सन का नहीं, काम का। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही परमानेंट सॉल्यूशन है, नहीं तो आप कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में ही फंसे रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। आप किसी के बारे में उल्टा बोलते रहोगे, वो आपके बारे में उल्टा बोलता रहेगा, बेकार में दुश्मन पैदा कर लोगे। ये जो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर अगर कोई आपका बहुत बुरा भी करेगा तो वो भी आपका दोस्त है, क्योंकि वहीं से आपको एनर्जी मिल रही है। और ये जो एनर्जी होती है वन पॉइंटेड होती है, यहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। कभी नोट किया है, गुस्से से जो आपको एनर्जी मिलती है दैट बिकम्स वन पॉइंटेड, क्योंकि उस वक्त डर खत्म हो जाता है। कभी आपने नोट किया हो, गुस्से में चाहे हम कोई गलत काम करें चाहे सही काम करें, ऐसे ऐसे काम कर जाता है आदमी या औरत जो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। जानवरों में इस चीज को ऑब्जर्व करो, जब किसी जानवर माँ के बच्चे के ऊपर, जानवर बच्चे के ऊपर, हाँ जानवर माँ के जानवर बच्चे के ऊपर कोई दूसरा जानवर अटैक करता है, तो क्या होता है जानवर माँ की हालत? ऐसे ऐसे जानवरों से लड़ जाती है जो उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और उनको हरा देती है। तो एनर्जी कहां से आई है? गुस्से से आई है।